जमन एंड गुड मॉर्निंग यूट्यूब। आज का सफ़र कारगिल से शुरू हो चुका है और अब सरप्राइज रखने की ज़्यादा हमें जद्दोजहद नहीं करनी चाहिए। हम जा रहे हैं ज़ांस्कर वैली, ये लद्दाख की सबसे ऊंची पीक्स हैं। उनके बगल से भी हम गुजरेंगे जिनका नाम है नून एंड कुन। नून कुन की हाइट है 7,735 मीटर्स एंड कुन की हाइट है 7,150 मीटर्स, समथिंग लाइक दैट। दिस इज नेशनल हाईवे नंबर 1 एंड जर्मन जो आज का रास्ता है वो मेरे लिए भी नए और आई थिंक मोस्ट ऑफ यू पीपल वॉचिंग दिस ब्लॉग उनके लिए भी नया होगा। तो ऑल्टीट्यूड इज 10,000 feet, ऑलमोस्ट 10,000 feet। हम अभी कारगिल के अंदर जा रहे हैं और कारगिल मार्केट अगर आया तो मैं अभी दिखाऊंगा, नहीं आया तो हम उसको बाईपास कर देंगे क्योंकि कुछ खास ऐसा मार्केट है नहीं कारगिल का कि हमने अगर नहीं देखा तो कुछ मिस कर दिया। दीज आर द पीक्स जहाँ पे हमने 1999 के ऑपरेशन विजय को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। द कारगिल वॉर आई एम टॉकिंग अबाउट। कारगिल टाउन एंड बाईपास, ये बाईपास बेसिकली द्रास जाने के लिए अगर यहाँ से आप राइड ले लेते हैं तो आपको कारगिल टाउन जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली द्रास पहुँच जाते हैं। और वो सामने आप देख रहे हैं, दिस इज द कारगिल टाउन। नदियाँ यहाँ पे आपको दिख रही हैं वो है सुरु रिवर। गाड़ी खाली करे उसमें तब तो दौड़ेंगे हम, उसमें तब तो मिल जाए यहाँ पे पेट्रोल कहाँ है। और ये हमारी सुरु नदी, सुरु रिवर। ये छोटा सा बड़ा डेली ब्रिज और ये सुरु रिवर। वेजिटेशन है यहाँ पे डेजर्ट में, ऐसा डेजर्ट खाने वाला डेजर्ट नहीं है, ड्राई डेजर्ट मतलब कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं इसको। We'll be right back.
इस तरह है कि मेजर लीकेज हो रही है इंजन से, इंजन ऑयल की। देर इज़ नो यूज़ ऑफ टेकिंग अ बिग रिस्क। अगर इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा लीक होता है तो इंजन सीज भी हो सकता है, इससे बेटर कि इसको रिपेयर किया जाए। वी आर बैक टू कारगिल। भाई माइक बाइक मैकेनिक कहाँ मिलेगा यहाँ? ये है कारगिल मार्केट और हमें जाना है तो डी जोजिला होटल है, इसके पास में मैकेनिक हमें शायद मिलेगा। मेजर लीकेज और उसको अगर ठीक ठीक कराते तो सकता है हमारे इंजन में सीज हो जाता है, बट अभी हम उसको ठीक कराएंगे। दिस इज कारगिल का मेन मार्केट, काफ़ी बड़ी मार्केट। आई थिंक दिस इज वन रोड एंटर जाना है। तो यहाँ से हमने की है थोड़ी ज़बरदस्त ड्राई फ्रूट शॉपिंग। अभी तक काम सही नहीं हुआ था, सील अच्छे से लगाई नहीं थी रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर ने, और पूरा यहाँ से ऑयल लीक कर रहा था, नट से भी लीक कर रहा था जो ऊपर लगाया हमने, और यहाँ से भी लीक कर रहा था। तो अभी होपफुली ये सॉल्यूशन लगने से लीक नहीं करेगा तेल, ऑयल लेवल ठीक है अभी तक।